जब बच्चे पैदा होते हैं तो जैसे बच्चा आजकल पैदा होता है सबसे पहले उसका वेट चेक करते हैं, रंग चेक करते हैं उसका, सबसे पहले पूंछल चेक होती, बड़ा देख के खुश हो रहे थे ना, बच्चा बहुत प्यारा है देखो, हंस रहा है देख के, देखिए कितनी प्यारी पूंछ है, बिल्कुल पापा पे गई है, है? उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते तो माँ को फिक्र हो जाता, बच्चा स्कूल के लिए निकलता जैसे साइकिल पे, तो माँ पीछे से बोलती, बेटे ध्यान से जाना, बेटा साइकिल पे पूंछ संभाल के बैठना, चेन में नहीं आ जाए। हाँ, जैसे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी का टाइम आ गया, तो जैसे वो फेरे होते हैं तो पल्लू पकड़ने वाला झंझट नहीं रहता, पूंछ पकड़ी शादी शुरू। यूं हो गए 7 फेरे और शादी हो गई। हाँ, दिक्कत आती रिंग सेरेमनी में, जब रिंग सेरेमनी में अभी तो छोटी सी रिंग डाल के चल जाता है ना, तो पूंछ पे जब इतनी बड़ी रिंग डालनी पड़ती है तो वो पता चलता। सुरेंद्र मेरी बात पे बहुत खुश हो रहे हैं, इनको बड़ा फायदा होता अगर लोगों की पूंछ होती ना, तो इनके भी पूंछ होती तो इनको बड़ा फायदा, तबला भी ऐसे बजाते जैसे 3 ताल होती है, 3 तबला बजा रहे होते। पिछले वाला तबला थोड़ा सुर होने वाला यार। तो सोचिए अगर हम लोगों के पूंछ होती तो वैसे क्यों होती, ये दिमाग खराब वाली बात है ना, शुक्र है भैया नहीं है, क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं हमारे पूंछ होती। मैं तो कहता हूँ जी, अगर हम इतना सीरियसली ले रहे हैं तो ठीक है, एक दिन भी भगवान ने सीरियसली ले लिया ना, यहाँ यार ये लोग सही कह रहे हैं, पूंछ होनी चाहिए थी तो सबके इतनी लंबी लंबी पूंछे होंगी, तो इससे बेहतर है भैया पूंछ के बगैर ठीक है। आओ भक्तजनों सब मिल के भगवान का धन्यवाद करें कि हमारी पूंछ नहीं है। ये कहते मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरे साथ वाला जो एक मेरा साथी है सह कर्मचारी है, वो एक दिन मुझे बता रहा था, भैया देखो मौज करते हैं मस्ती करते हैं, दुनिया में आया मजे ले रहे हैं, फिक्र नहीं है किसी बात का, भैया देख लो रोज मुर्गे से रोटी खाते हैं। तो मैंने कहा यार सरकारी मुलाजिम मैं हूँ, सरकारी मुलाजिम तू है, ऐसे कैसे यार तू अफोर्ड कर सकता है रोज मुर्गे के साथ रोटी खाए। मैं कहा ऐसे रोज मुर्गा कहाँ से आता है, इतना तू कमाता भी नहीं। वो नहीं बात कर रहा हूँ भैया, मुर्गे से रोटी खाते हैं रोज। मैंने कहा कैसे रोज रोटी खाता है मुर्गे के साथ। देखो भैया घर में एक मुर्गा रखा हुआ है, रोटी खाता हूँ ना, एक बाइट मैं लेता हूँ, एक उसको देता हूँ, एक मैं लेता हूँ एक उसको देता हूँ। तो ये बता रहे हैं कि एक बार इनसे यानी कि अश्विन पटेल जी से कोई आदमी बहुत सीरियसली पूछ रहा है कि भाई साहब, पटेल साहब मेरी मतलब प्रॉब्लम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बोले क्या बात होगी, देखिए मेरी 4 बार शादी हुई है, थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ मर जाती है, फिर शादी करता हूँ फिर मर जाती है, फिर शादी करता हूँ फिर मर जाती है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये बोले मैंने उनको हाथ जोड़ के कह दिया, भैया सबसे पहले तो नारी जाति पे तर्स कर। इन्होंने लिखा है कि हमारा दोस्त गजोधर एक दिन फौज में भर्ती हुई गवा, जब उसे बंदूक दी गई तो एकदम बंदूक लेके भागते हुए सीधा अपने बड़े साहब के पास पहुंचा और बड़े साहब से सीधा बोला, साहब साहब ये बंदूक हमें दिए हैं, ये हमें चलानी आवत नहीं, ये कैसे चलाना है, नली ऐसे सीधा रख के चलाना है कि नली ऐसे करके चलाना है, ये हमें बता दे, हमें चलाना आवत नहीं है। तुम किधर से भी रख के चलाओ फायदा देश को ही होगा। लिखते हैं, एक दिन एक आदमी की भक्ति से खुश होकर अचानक एक फरिश्ता प्रकट हुआ। हम प्रसन्न हुए, बोलो वत्स तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। प्रभु जी महाराज जी, मेरी शादी ना ऐश्वर्या राय से करा दीजिए। मूर्ख, तू उसका खर्चा उठा पाएगा ऐश्वर्या का, उसकी एक एक साड़ी 1,00,000 रुपए की होती है। प्रभु उसका कोई उपाय बताइए। उपाय है मेरे पास, बालक तू मलिका शराव से शादी कर ले। इन्होंने लिखा है कि एक बुजुर्ग आदमी का कहना है कि अगर कोई बेरोजगार आदमी सच्चे दिल से किसी मंदिर के बाहर या किसी दरगाह के बाहर खड़े होके ये लाइनें दोहराए तो उसकी प्रगति होगी,
उसे धन की प्राप्ति होगी। वो लाइनें हैं, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, तीन दिनों से भूखा है बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा। धन की प्राप्ति हो, प्यार ना रहे तो वफा कौन करेगा, प्यार ना रहे तो वफा कौन करेगा, दोस्त ना रहे तो दोस्ती कौन करेगा, प्यार ना रहे तो वफा कौन करेगा, दोस्त ना रहे तो दोस्ती कौन करेगा, खुदा सलामत रखे तुम्हें वरना बंदर की तरह उछल कूद कौन करेगा। फरमाते हैं प्यार की सीढ़ी पे चढ़ तो गए, प्यार की सीढ़ी पे चढ़ तो गए हैं, मगर ये नहीं देखा नीचे गहरी खाई है, मगर ये नहीं देखा नीचे गहरी खाई है। तुम्हें तो बुला लिया सनम, तुम्हें तो बुला लिया सनम, पर ये नहीं देखा पीछे तुम्हारा भाई है।